हेलो रोहन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे, सारे भाई फिट होंगे। तो भाई, आज की वीडियो के टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं अपनी गाड़ी की लाइट्स के बारे में। और यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, आज हम अपनी लाइट्स के अंदर प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, प्रोजेक्टर इंस्टॉल करने वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है आपके लिए, आपने वो देख भी ली होगी और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते थे उस वीडियो में। तो मेरे को पता है एक बहुत नई सी चीज़ मिली थी, तो मैंने कहा एक बार आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। तो भाई, आज हम अपनी गाड़ी में ना मिनी प्रोजेक्टर लैंप्स इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये वाले ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, इसमें मतलब अच्छी चीज़ें भी हैं। मतलब आप इसको देखोगे ना, आप खुद सरप्राइज जाओगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे मेन बात, ये जो अपने LED प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, ये आपके ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते हैं, बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। मतलब एक पीस आपको 400 के समथिंग का मिल जाता है, तो आप कह सकते हो कि आपको 800 रुपये के दोनों बल्ब मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे इसका लिंक जो है ऑनलाइन मिल जाएगा, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, देख लीजिएगा। आज की वीडियो में आपको मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ अच्छे से पूरी गाड़ी में, और इसका जो आउटपुट है वो भी दिखाऊंगा, अभी भी दिखाऊंगा, और जो मतलब एकदम रात का सीन होता है उस टाइम पे भी, ताकि आप इसका समझ पाएं कैसे इसका आउटपुट आता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको अपनी लाइट के बारे में बता दूं कि अभी गाड़ी के अंदर करंटली कौन सी लाइट इंस्टॉल्ड है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारी पार्किंग बल्ब इंस्टॉल है LED वाले, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहता है, मतलब सच में बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। ऊपर से हमने हाइपर ड्राइव की LED इसमें इंस्टॉल कर रखी है। इस LED लाइट का भी मतलब मुझे रिस्पॉन्स काफी अच्छा लगता है, और जो इसकी परफॉर्मेंस है, रोड आउटपुट है, काफी अच्छी है, तो इसलिए मैं हाइपर ड्राइव को यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छी लाइट है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हाइपर ड्राइव की अपनी LED है, इसे चेंज कर देंगे और अपने प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करेंगे। सबसे मेन बात, जो ये वाले प्रोजेक्टर हैं, इसके लिए ना आपको लाइट खोलने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, सीधे आपके H4 फिटमेंट जो होता है ना, उसमें कनेक्ट हो जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे आपको लाइट वाइट निकालने की, मतलब पूरा जो अपनी असेंबली है उसे खोलने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही मतलब मिनी प्रोजेक्टर ही है, जो हमने पहले इंस्टॉल करे थे उससे रिलेटेड ही है, पर वाले थोड़े एक्सपेंसिव थे, वो 3500 के समथिंग रहते थे, ये उससे बहुत ही सस्ते हैं। तो अब मैं वही देखना चाहता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आता है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ शो के लिए होता है। हालांकि मैं एक चीज आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे बता दूं, ये बिल्कुल सेफ नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस देख के और इसकी ब्राइटनेस, मेरे ख्याल से ये 1000 ल्यूमिनस या फिर 1200 ल्यूमिनस से ऊपर नहीं होंगे, छोटे से LED बल्ब हैं। और LED आपको बताया कि अगर आप एक्सपेंसिव वाली नहीं लेते हो, सस्ती LED लेते हो, तो उसका रोड रिस्पांस बहुत ही वीक रहता है। तो इसलिए आपको पहले ही कहूँगा कि अगर आप इसको लेके रोड में चलोगे तो उतना सेफ नहीं होगा। फिर भी आप एक बार इसका नाइट आउटपुट चेक कर लेना, मैं भी आपको दिखा दूंगा अच्छे से, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि इसकी ब्राइटनेस कैसी आती है। तो मेरे को अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसे खरीद लिया था, तो आपको मैं दिखा सकूँ एक बार अच्छे से। बाकी इसका जो ऑनलाइन लिंक है, मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की। मेरे को तो ऑफलाइन मिल गया था अप्रॉक्स 420 के आसपास, ऑनलाइन भी इसी प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। मैं आपको अपनी जो करंटली LED है उसको जला के दिखाऊँ कैसे उसकी लाइट आती है, तो एक बार आप देख लो। मतलब मुझे तो पर्सनली काफ़ी ठीक लगती है LED। सबसे मेन बात क्या होती है ना, LED में जब भी आप उसे रात में यूज़ करते हो, तो एकदम से जो डिपर फटाफट से करती है ना, उसमें बड़ा मतलब मस्त सा लुक आता है गाड़ी में। तो आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने लाइट्स अपनी ऑन कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हो, ऐसे इसका कुछ लुक आता है, वाइट लाइट्स हैं, बहुत ही प्यारी लगती है, क्योंकि गाड़ी जो है अपनी ना पूरी वाइट में बनी है। अभी जो इस साइड का फॉग लैंप है, वो असल में थोड़ा यहाँ पे गाड़ी जब हिट हुई थी तो निकल गया था, इसलिए मैंने निकाल रखा है। सेम उस साइड से भी वही चीज़ है, उस साइड का फॉग लैंप लगा हुआ है, पर उसमें अभी मैंने कनेक्शन ऑफ कर रखे हैं, क्योंकि मैं बम्पर जब रिमूव करता हूँ ना, तो लंबी वायरिंग हो रही थी, बाद में स्विच वाला सिस्टम लगाने वाला हूँ ना, इसलिए मैंने उसके अभी फॉग लैंप कनेक्शन ऑफ रखे हैं। सिर्फ मेन लाइट के भरोसे में चलता हूँ, और मेन लाइट्स की सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, खुद देख सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए अब जो अपने प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, इसको खोल के देखते हैं कैसे लैंप्स हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बॉक्स में क्या क्या डिटेल्स दिखी, सब आपको बताता हूँ एक एक करके। तो इसके बाद देखो, मोस्टली क्या होता है ना, ऐसे जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं मेड इन चाइना ही होते हैं, इंडिया में ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं। और बाकी अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल दिखाऊँ, सबसे पहले लाइट बंद कर लेते हैं अपनी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसके थोड़ा डिटेल में बात करें, इसमें क्या क्या मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हाई पावर इसमें लिखा गया है, 80% सेविंग, जेन्युइन पार्ट्स, मेड इन चाइना। ठीक है, ये सब मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स ही होते हैं। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, इसमें सब डिटेल्स लिखी गई हैं इसकी, और लाइफ जो मतलब सर्विस लाइफ इसकी 50% ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी, 1000 ल्यूमिनस से 1000 ल्यूमिनस के बीच में ही लाइट प्रोड्यूस करेगी, इसका मतलब इसकी ब्राइटनेस बहुत ही वीक होती है। तो वोल्टेज वगैरह से नहीं, हम जो भी लाइट की मेजरमेंट करते हैं वो इसकी ब्राइटनेस मतलब ल्यूमिनस से करते हैं। तो ल्यूमिनस से मैं आपको बता सकता हूँ इसकी लाइट बिल्कुल भी ब्राइट नहीं होने वाली है, बस ये शो के लिए है। तो चलो कोई बात नहीं, एक बार इसे लगा के तो देखते हैं कैसा ये वर्क करती है। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं भाई, इसकी प्राइसिंग मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा आपको।
तो मेरे को ऐसे दो बल्ब मिल गए थे तो मैंने इसे सीधे खरीद लिया था, क्योंकि मेरे को अपनी बाइक के लिए भी चाहिए थे। मैंने कहा शो तो अच्छी आती है इसमें, क्योंकि आपको पता होगा जब मैंने अपनी बाइक में पूरा ना मॉन्स्टर वाइजर है ना, तो वाइजर लगाया तो डेविल की आंखें होती है ना, तो वहां पे मेरे को ऐसी वाली एलईडी चाहिए थी, इसलिए मैं अपनी बाइक के लिए लाया था स्पेशली। तो मैंने कहा चलो एक बार गाड़ी में लगा के भी टेस्ट करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं मिनी प्रोजेक्टर्स हैं, ये मेरे को पता है किसकी याद दिला रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना वेन्यू वगैरह आती है या फिर जो i20s हैं, आई थिंक i20 में ही है फ्रंट में छोटे वाले फॉग लैंप्स लगते हैं, ये उस टाइप से दिख रहे हैं ऐसे दूर से देखने में। और पीछे आप देख सकते हैं H4 सॉकेट है इसके पीछे, मतलब सीधे आपके जो कपलर्स हैं उसमें फिट हो जाएंगे आराम से बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे इसमें कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई है जैसे कि नॉर्मली दी जाती है यहाँ पे, और फिटमेंट आराम से हो जाएगा इसमें। ये असल में बाइक के लिए कार्स ATVs सब में लग जाती है ऐसे इसमें लिखा गया बॉक्स में, तो आप अपने हिसाब से अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं इसके फ्रंट से लुक की बात करूँ, यहाँ पे आप सीधे देख सकते हो कि इसके अंदर आपको एक LED दिख रही है पीले रंग की और एक लेंस दिख रहा है बस, ठीक है। तो लेंस ही जो है फोकस मारेगा इसका, बाकी अभी इसको फिट करते हैं देखते हैं कैसा ये वर्क करती है। और वारंटी वगैरह की बात करें तो इसकी कुछ वारंटी नहीं होती भाई, ये अगर आप लोगे ना तो मेड इन चाइना प्रोडक्ट होता है, कोई वारंटी नहीं, कुछ ही नहीं है। या तो आप किसी लोकल शॉप से ले रहे हो, अगर कुछ डिफेक्ट हो जाए तो वो चेंज कर सकते हैं, पर इसकी कोई वारंटी वगैरह नहीं होती ना, इसके साथ कोई भी आपको वारंटी कार्ड मिलता है। तो अब ऐसा करते हैं इसे फिट कर लेते हैं अपनी गाड़ी में एक बार और फिर इसका आउटपुट चेक करते हैं कैसा इसका आउटपुट आता है। इसका इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सबसे पहले हमको जो पुराने वाले बल्ब हैं उसको निकालना होगा और बहुत ही आराम से निकल जाएंगे इसमें, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सीधे इसका पीछे जो डस्ट कवर है उसे हम निकाल देंगे सबसे, तो इसे निकाल दिया। अब जो अपने बल्ब हैं उसे फिट कर लेंगे। फिटिंग करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आराम से जो पोजीशन पे आपके कंपनी के स्टॉक बल्ब लगते हैं वैसे ही लग जाएंगे। तो लगने के बाद इसकी कुछ ऐसी पोजीशन आ रही है, एक आंख जैसी लग रही है गाड़ी की, और ठीक है मतलब लुक वाइज तो काफ़ी सही लग रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट है, जो पहले वाली लाइट लगाई थी ना मैंने इसमें जो प्रोजेक्टर थे अपने जो खुलते उसका साइज़ बड़ा था, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, उसका साइज़ डेफिनेटली थोड़ा बड़ा था इससे। और बीम एंगल देखो इससे मेजर करा जा सकता है, जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा आपको ना, मेरे को थोड़ा सा इसमें डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि जो उस वाली लाइट का बीम एंगल आता था बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर आता था, इसमें थोड़ा सा इशू है, कोई बात नहीं। और इसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, ये जैसा आता है वैसे ही लगेगा, ठीक है। तो बहुत सी बार क्या होता है लोग सोचते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट होगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये बिल्कुल एज इट इज ही लग जाएंगे, क्योंकि देख सकते हो ना पीछे कोई नट है ना कुछ है, सीधे लगेंगे। तो एक इस साइड का तो फिट कर दिया हमने, दूसरी साइड का फिट कर देता हूँ। एक बार मैं एक चीज़ करके दिखा देता हूँ आपको, इसको पूरा अच्छे से लगा देता हूँ, मतलब डस्ट कवर वगैरह लगा के, ताकि कंफर्म हो जाए कि इसमें कोई इशू नहीं आता है डस्ट कवर लगाने में भी। वाइस एक चीज़ मैंने कर रखी है, अभी इस साइड तो अपने प्रोजेक्टर लग गए, इस साइड पर हाइब्रिड ड्राइव की LED लगी है, मतलब वो LED लगी है और इस साइड में प्रोजेक्टर, तो फर्क एक बार आप देख लो कि कितना फर्क आता है। देखो ब्राइटनेस के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, पर जो फोकस वगैरह है उससे आप थोड़ा जजमेंट कर पाओगे, इस LED का फोकस कुछ ऐसा आता है, फिक्स बीम रहती है इसकी, और ठीक है मतलब देख सकते हो ऐसी कुछ लाइट जलती है। अभी डे टाइम पे तो सही लग रही है लाइट, बाकी रात में रिस्पांस चेक करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना लाइट फैलती नहीं है, सीधे बाहर आती है एकदम से, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे करके यहाँ पे ना पूरा फोकस आ रहा है LED लाइट का, वहीं हाइपर ड्राइव वाली में मतलब क्या होता है ना नॉर्मल प्रोजेक्टर में नहीं, उसमें पूरी लाइट फैलती है और रिफ्लेक्टर की मदद से लाइट बाहर आती है, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फोकस सीधे सामने जाता है। तो ये आप देख लो एक बार, तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ना एक काम करते हैं कि इस साइड में अपनी जो प्रोजेक्टर लाइट है उसे लगी रहने देते हैं, इस साइड में LED लाइट रहने देते हैं, उससे पता चल जाएगा कि ब्राइटनेस से कितना फर्क आ रहा है, और गाड़ी चलाते टाइम पर दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें लग रहा है ना कि इसकी ब्राइटनेस देख के थोड़ा बहुत इशू है इसके अंदर, ठीक है। अभी दिखने से तो अच्छी लग रही है, एकदम से ब्राइट दिख रही है, पर ये रात में पता चल पाएगा कितनी सक्सेसफुल है या बस खाली दिखने की है, तो ऐसा कुछ ही है। तो अब एक काम करते हैं, इस साइड से ऐसी रहने देते हैं और उस साइड से LED रहने देते हैं, ताकि एकदम हम जस्टिफाई भी कर सकें कि प्रॉब्लम क्या है और कैसा ही लग रहा है। हाँ जी गाइस, तो अभी जो है थोड़ी बहुत शाम हो चुकी है और अभी जो है लाइट को हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये लाइट कैसा वर्क करती है। तो यहाँ पे भाई एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी है कुछ टाइम बाद, मेरे को भी नहीं पता था कि इसके अंदर आपको दो पैटर्न मिलते हैं, बेसिकली इसके अंदर आपको व्हाइट लाइट भी मिलेगी और येलो लाइट भी मिलेगी। अब वो यूज़ कब होगी कैसे होगी आपको बताता हूँ। जैसे आप इसकी लो बीम पे चलाओगे इसे तो इसकी व्हाइट लाइट येलो लाइट जल जाएगी, जैसे आप वापस हाई बीम पे करोगे तो वो वापस व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ ऐसा, और अभी देख सकते हो भाई इस साइड तो अपने प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं और दूसरी साइड अपनी हाइपर ड्राइव की LED लगी है। तो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं, हालांकि मैं इसे एक बार रात में बाहर ले जाऊंगा, उस टाइम पे आपको दिखाऊंगा कि इसका रिस्पांस कैसा आता है रात में।
तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो गाड़ी हमारी नॉर्मल है, तो अभी देख सकते हो इस साइड पे अपनी वाइट लाइट जल रही है। देखो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ी सी नीचे वाली साइड है, ठीक है, ये मिसमैच है, इसको सही करना पड़ेगा अपने को। बाकी यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, लाइट को ऊपर नीचे कर सकते हो, पर अभी दोनों सेपरेट सेपरेट LED लगी हुई है। हाइपर ड्राइव की लगी है वो हमने एडजस्ट कर रखी है, मतलब नट के थ्रू एडजस्ट करिए, जिससे उसकी जो बीम है बिल्कुल एक्यूरेट पड़ती है रोड पे। ये थोड़ी सी उठी हुई है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एकदम ही नीचे को नहीं आ रही है, तो ये थोड़ा सा इशू है इसमें। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ अपनी येलो लाइट पे, तो ये देखो ये येलो लाइट पे चेंज हो चुकी है। अभी यहाँ पे एक चीज़ सबसे अच्छी वजह क्या हुई है कि कह सकते हैं कि टेस्ट करने के लिए हो रखा है, अपनी जो उस साइड की हाइपर ड्राइव की लाइट है वो लो बीम पे पता नहीं क्यों नहीं जल रही है, शायद से कुछ इफेक्ट आ रखा है या अंदर से स्विच ढीला हो रहा होगा, इसकी वजह से वो लो बीम पे काम नहीं कर रही है। लो बीम पे सिर्फ अपने प्रोजेक्टर चल रहे हैं और ये येलो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ की येलो लाइट जल रही है। और मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसकी ब्राइटनेस बहुत तेज नहीं है, देख लो बहुत तेज नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस बहुत ही पास है, फिर भी येलो लाइट उतना अच्छा वर्क नहीं कर रही है। सेम विद वाइट लाइट, वाइट लाइट भी कोई बहुत टॉप नॉच नहीं है, बट ठीक है, चलो जिस प्राइस सेगमेंट में आती है उसके हिसाब से हम इसको मान सकते हैं। देख लो एक बार आप, ये इसकी वाइट लाइट्स हैं, ये इसकी नॉर्मल येलो लाइट है, ठीक है, समझ सकते हो आप, ऐसा ही वर्क कर रही है। अभी फिलहाल ऐसा है कि इवनिंग का टाइम है, जब मैं इसको रात में रोड में ले जाऊंगा एक बार, उस टाइम पे टेस्ट करेंगे कि ये लाइट रात में कैसा वर्क कर रही है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि अंधेरा हो चुका है थोड़ा बहुत, अभी मतलब क्या है ना कि सुबह का टाइम है, अभी 5:08 हो रहा है, 5:08 हो रहे हैं, तो अभी गाड़ी की जो लाइट्स है उसको टेस्ट करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि जो इस साइड में येलो लाइट जली है वो अपनी ठीक ठाक मतलब रिस्पांस दे रही है रोड में, अभी तो फिर भी देखो अंधेरा है पूरा, तब जाके उसका रिस्पांस ऐसा आ रहा है। और वहीं अगर हम वाइट लाइट्स की बात करें तो वाइट लाइट्स आप देख सकते हो ठीक ठाक है, मतलब प्रोजेक्टर है, उसकी बीम पहले तो सबसे ऊपर जा रही है इस साइड की, तो तब भी फोकस्ड है, इस साइड के मेरे को रोड दिख रही है, इस साइड वाले में तो पता नहीं कहाँ बीम जा रही है, बहुत ही हाई बीम सेट है इसमें अभी ऑलरेडी। और जैसे ही हम लो बीम सेट करेंगे तो आप नीचे देख सकते हो येलो लाइट जो दिख रही है आपको, इसका मैं इतना कहूंगा कि लो बीम पे ठीक रिस्पांस आ रहा है, बट जैसे आप इसे हाई बीम पे कर लोगे तो इसका रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी रोड नहीं दिख पाएगी, बस ऐसा होगा कि गाड़ी में लाइट लगा रखी है, ये वाला सीन रहेगा बस, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी ऐसा करते हैं कि मैं तो फिलहाल अभी एक गली वाली रोड से चल रहा हूँ, अभी इसको मैं आपको एक हाईवे में भी टेस्ट करके दिखा दूंगा कि इसका रिस्पांस कैसा आता है। फिलहाल आप देख लो ये अभी लो बीम है, ये इसकी हाई बीम है, रोड मतलब गायब हो जा रही है, रोड नहीं दिख रही है, बल्कि अभी हल्का हल्का उजाला हो चुका है। जब ये चीज़ सेम बहुत ज़्यादा मतलब रात होगी और सामने से ट्रैफिक आ रहा होगा, यूज़ करेंगे बिल्कुल नहीं दिखेगी। बीम की बात करूँ तो बीम इसकी फोकस्ड नहीं है, जो प्रोजेक्टर लगे हैं गाड़ी में उसकी बीम सच में फोकस्ड नहीं है, वो बीम बस सामने की तरफ जा रही है, जैसे होता है ना कि पहले वाले जो हमारे उसमें आपको ऑप्शन मिलता था आप उसे सेट कर सकते थे, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। और नीचे आप देख सकते हो कि जब आप इसको लो बीम पे सेट करोगे तो आपको रोड सही दिखेगी, और जैसे आप हाई बीम पे इसको चलाओगे आपको उतनी प्रॉपर लाइट्स नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, थोड़ा आपको यहाँ पे भी आइडिया आ जाएगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अभी भी देख लो भाई, जो येलो लाइट है बहुत फोकस्ड है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए नीचे की तरफ जा रही है, जैसे हम हाई बीम ऑन कर लेंगे तो ये वाली लाइट तो गायब ही हो जा रही है, सच्चाई है भाई, इस साइड की तब भी दिख रही है पर इस साइड की लाइट्स बिल्कुल भी गायब हो जा रही है, बल्कि अभी पूरा मतलब आपको ये स्ट्रीट लाइट्स भी हैं और सब कुछ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ सेफ लाइट्स नहीं है, ठीक है, वैसे शो के लिए ही है, जब तक मतलब आप इसे फटाफट से बीम करनी है आपको उसके लिए तो बेस्ट है, पर आप इसके भरोसे अगर रोड में निकल रहे हो तो भाई मत निकलो, या तो आपकी गाड़ी में कोई एडिशनल लैंप्स होनी चाहिए, या तो फॉग लैंप्स होनी चाहिए, या फिर कोई और लाइट्स होनी चाहिए, तभी आप फायदे में रहोगे वरना फंस जाओगे। तो जैसे कि भाई आपने इसका रिस्पांस देख लिया, आप समझ ही गए होंगे कि इस लाइट की कैसी परफॉर्मेंस है और आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। बारिश भी अभी हो रही है थोड़ी ज़्यादा, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा इग्नोर करिएगा अगर आपको आवाज़ आएगी तो। बाकी गाइस कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं ऐसी अगली किसी मजेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।